हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने एक बिल्कुल नया सा रेसिपी लेकर आई हूँ थ्रेडेड सूजी बाइट्स की, जो बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बिल्कुल लाजवाब बनकर आता है। और अगर आपके घर में कोई पार्टी हो, फंक्शन हो या कुछ अलग खाने की इच्छा है, तो आप इस तरह से थ्रेडेड सूजी बाइट्स बना सकते हैं। देख सकते हैं कैसा थ्रेड एकदम बंधा हुआ लग रहा है और बाहर से बहुत ही क्रिस्पी है। तो चलिए बनाने के प्रोसेस में। तो सूजी बाइट्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप सूजी लिया है। ये सूजी आप कोई भी ले सकते हैं, बारीक हो चाहे मोटी हो, किसी भी सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तरफ हम गैस पर कढ़ाई को गरम कर लेंगे। उसमें मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है। ऑयल का हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। और 1 टीस्पून मैंने राई डाला है, काली वाली सरसों। और 1 टीस्पून मैंने जीरा डाला है, खड़ा जीरा। और इसे थोड़ा सा हम चटकने देते हैं। तो इसमें हम जब जीरा और राई चटक जाएगी, तो मैंने 3 मिर्च को चॉप करके रखा था और मैंने 10 से 12 करी पत्ते को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया था। इसे हम डाल लेंगे और इसे जरा सा हल्का सा भून लेंगे ताकि कड़ी पत्ता का जो स्वाद है वो तेल में जा सके अच्छे से। तो हल्का सा भून गया है, तो इसमें हम पानी डाल लेंगे। और जितना हमने 1 कप सूजी लिया है, तो हम यहाँ पर 2 कप पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 कप सूजी के साथ 2 कप पानी लिया है। और इसे एक उबाल आने देते हैं, थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। और इसमें हम साथ में धनिया पत्ते डाल लेंगे। और इसमें धनिया पत्ता के साथ हम पानी में ही चिली फ्लेक्स डाल लेंगे। तो 1 टीस्पून मैंने चिली फ्लेक्स लिया है, चिली फ्लेक्स मैं डाल लूँगी। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हमने जो सूजी 1 कप लिया है, सूजी को हम डाल लेते हैं। डालकर पानी हमारा गर्म हो चुका है, तो इसमें डाल लेंगे। और डालकर लो फ्लेम पर धीमा धीमा इसे सूजी को हम पका लेंगे ताकि जो सूजी है वो फूल सके और थिक हो जाए। तो थिक होने तक हम इसे इसी तरह लो फ्लेम पर चलाते हुए पका लेना है। आप देख सकते हैं 1 से 2 मिनट में ही सूजी हमारी जो है वो अच्छे से वाटर को सोक कर ली है। इसमें मैं स्वाद के अनुसार नमक डालूंगी। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। और ये मेरा 2 बड़ा आलू था जिसे मैंने बॉयल करके लिया है। और उसके बाद हम सूजी में ही इसे डाल लेंगे। डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स चलाते हुए इसे मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। आप चाहें तो यहाँ पर आलू को कद्दूकस भी करके डाल सकते हैं, पर इसे मिलाते समय ये आराम से चलाते हुए मिक्स हो जाएगा, आलू भी अच्छे से बाइंड हो जाएगा। यहाँ पर हमारा आलू सूजी अच्छे से बाइंड हो गया है और अच्छे से, बहुत ही अच्छे से थिक हो गया है। तो अब हम इसे कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं और इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो मैं देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से बाइंड हो रही है और कढ़ाई से बिल्कुल एक साथ अलग हो जा रही है। तो इसे ठंडे होने तक हम इसी तरह से इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर हमारा सूजी का जो हमने डो तैयार किया है वो बिल्कुल ठंडा हो गया है। तो इसे हाथों की सहायता से अच्छे से मिक्स करके, जैसे हम आटा गूंथते हैं, आटे तैयार करते हैं, उसी तरह से इसे मिक्स करके तैयार कर लेना है ताकि जो भी थोड़े बहुत भी लम्स अगर आलू के रह गए हैं, आलू के टुकड़े, वो अच्छे से मिक्स हो जाए और बाइंड अच्छे से हो जाए, सूजी भी अच्छे से बाइंड हो जाए, इसलिए मिक्स करना हमें ज़रूरी है। तो ये हमने मिक्स कर लिया है। और एक थाली लेंगे, हाथ में आप घी चाहे रिफाइंड कुछ भी ले सकते हैं।
हम लेंगे और ये जो हमने डो तैयार किया है उसे हाथ में ले लेंगे थोड़ा सा, और इसे थाली में ऐसे राउंड राउंड करते हुए इसे फैलाकर बड़ा कर लेंगे। आप यहाँ पर दोनों हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसे थोड़ा सा टानते हुए आपको जितनी थिकनेस रखनी है इसकी, थोड़ा मोटा रखना है, पतला रखना है, जिस हिसाब से भी आपको रखनी है उस हिसाब से आप ले लीजिए, और इसे हम कटिंग कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर इतना मोटा रखा है, अगर आपको और पतली रखनी है तो आप और पतली भी रख सकते हैं, और इसे हम चाकू की सहायता से एक बराबर हम कट कर लेंगे। तो मैंने इस तरह से सभी को कट कर लिया है। कट करने के बाद इसे हम थोड़ा सा सिलेंड्रिकल शेप देंगे, तो ऊपर नीचे जो भी थोड़ा बहुत जो उखड़ा उभड़ापन है उसे हम शेप में ले आएंगे। तो मैंने इस तरह से सिलेंड्रिकल शेप में चारों तरफ से गोल कर लिया है, और इसी तरह हमने जितने भी कटिंग करके रखे हैं और जितने भी हमारे डो तैयार हैं उससे हम इसी तरह से सिलेंड्रिकल शेप में तैयार कर लेंगे। तो चलिए हम सारी तैयार बाइट्स को तैयार करके रख लेते हैं। हमने सारे बाइट्स को रेडी कर लिया है और टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके सिलेंड्रिकल इसका हमने शेप दिया है। अगर आप और कोई शेप डालना चाहे तो आप दे सकते हैं, इसे बॉल का शेप बना सकते हैं, स्क्वायर शेप बना सकते हैं, मैंने इसे सिलेंड्रिकल शेप दिया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रोसेस की ओर, हम नूडल्स को लपेटेंगे। नूडल्स को हम इसके लिए थ्रेड का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने नूडल्स को पहले ही बॉईल करके रख लिया था और ये बहुत अच्छे से बॉईल हो चुका है। तो हम एक बाइट्स उठाएंगे और एक नूडल्स का थ्रेड लेंगे और उसे इस तरह से लपेटते हुए इसे थ्रेड के थ्रू, थ्रेड के जैसा हम बांध लेंगे, ताकि जो हमारे जो सूजी बाइट्स है वो देखने में भी अच्छा बने, और नूडल्स से रैप करने से हमारे जो बाइट्स है और अच्छे से क्रिस्पी बनकर रेडी होगा। तो आपको जितना लपेटना है लपेट लीजिए। तो मैंने इतना लपेटा है ताकि हमारे बाइट्स में ऊपर से जो ये बीच वाला पोर्शन है वो बहुत अच्छे से क्रिस्पी बनकर आए और एकदम बिल्कुल यूनिक है। अगर आपको छोटी मोटी भूख लगी है और रेगुलर वाले खाने को खाने की मन नहीं है तो आप इस तरह से एक बार सूजी बाइट्स बना सकते हैं। इसी तरह से मैं सभी में नूडल्स के थ्रेड को लपेट दूंगी ताकि इसका लुक थ्रेड से बांधा हुआ लगे। तो चलिए हम सारी नूडल्स को और सूजी बाइट्स को रैप करके तैयार कर लेते हैं। तैयार करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसका लुक कैसे आ रहा है और ये कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पर मैंने सभी को बांध कर रेडी कर लिया है। आप देख सकते हैं इसका लुक कितना प्यारा आ रहा है। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर हमने कढ़ाई रखा है, गर्म हो गया हमारा कढ़ाई। तो मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल डाल लिया है। रिफाइंड ऑयल डालकर हम इसे तेल को अच्छे से बॉईल कर लेंगे, गरम कर लेंगे, और इसे जो एक एक बाइट्स है सूजी बाइट्स उसे डालकर हम फ्राई कर लेंगे। और इसका फ्लेम हमारा हाई, मीडियम टू हाई होना चाहिए। लो फ्लेम पर हम नहीं फ्राई करेंगे। लो फ्लेम पर अगर हम फ्राई करेंगे तो सूजी बाइट्स जो है वो ऑयल ज़्यादा सोक कर लेगी, तो बहुत ऑयली ऑयली फील होगा। तो हम इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेते हैं। एक बार में जितना हमारा बाइट्स अट सका मैंने उतना डालकर इसे फ्राई करना स्टार्ट कर दिया है, और ये जब एक तरफ से हल्का सा क्रिस्पी हो जाए तो हम दूसरी तरफ पलट देंगे। पलटते पलटते हुए हमें इसे गोल्डन कलर ले आना है। तो मैंने देख सकते हो कि मैंने एक साइड हो गया तो मैंने इसे पलट दिया है। तो इसी तरह सभी बाइट्स को हमें उलटते पलटते क्रिस्पी कर लेना है।
यहाँ पर हमने उलटते पुलटते हुए इसे बहुत अच्छे से क्रिस्पी कर लिया है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से हमारी सूजी बाइट्स फ्राई होकर रेडी हो गया है। तो अब हम इसे तेल से निकाल लेंगे, निकाल कर हम अलग प्लेट में रख लेते हैं। इसे आप कोई भी ओकेजन हो आप इसे बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है और बिल्कुल यूनिक रेसिपी है। तो हमने इसे सभी को निकाल लिया है और दूसरे बैच को भी हम इसी तरह से सारे बाइट्स जितना हमारा अट सकता है उतना बाइट्स हम डाल लेंगे और डालकर इसे भी हम फ्राई कर लेते हैं। मैंने सभी बाइट्स को, सूजी बाइट्स को फ्राई करके रेडी कर लिया है और आप देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी और बाहर से एकदम कुरकुरी और अंदर से एकदम सॉफ्ट बनकर रेडी हुआ है और खाने में बिल्कुल लाजवाब है। बच्चों के पार्टी में बनाइए चाहे बड़ों के पार्टी में बनाइए, सभी पार्टी में ये चार चांद लगा देगी। आप भी इस तरह से बनाइए, खाइए और हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आप सभी को मिल सके। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंत तक बने रहने के लिए बहुत